हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ डेली लाइफ के कामों को आसान करने के लिए टिप्स लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स आपको पसंद आएंगे, तो चलिए टिप्स स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर वन, फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कुछ नींबू लिए हैं। इन नींबू को मुझे एक महीने तक स्टोर करना है। इसके लिए आप नींबू को इस तरह से फॉइल पेपर में लपेट दें जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, और फिर फ्रिज में स्टोर कर लें। इससे आपके नींबू सूखेंगे नहीं और काफ़ी लंबे समय तक भी चलेंगे। टिप नंबर टू, फ्रेंड्स कुकर में हम जब भी खाना पकाते हैं, खासतौर पर दाल या राइस, तो दाल का पानी सीटी आने पर बाहर निकलता है, जिससे कुकर का टॉप तो गंदा होता ही है और साथ में किचन की स्लैब और किचन की टाइल्स भी गंदी हो जाती है, जिसे क्लीन करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए आप जब भी दाल बनाएं तो दाल में थोड़ा सा तेल डाल दें, इससे सीटी आने पर दाल कभी भी बाहर नहीं निकलेगी। आप इस ट्रिक को एक बार जरूर फॉलो करें। टिप नंबर थ्री, फ्रेंड्स घर में कैंडल जलाकर डेको करने का शौक सभी को होता है, लेकिन फर्श पर या टेबल पर कैंडल या मोम गिर जाता है तो ठंडा होने पर वह हार्ड हो जाता है और उसे रिमूव करना बहुत ही मुश्किल होता है। उसे हम इजीली स्टिक से हटा सकते हैं। इसे रिमूव करने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपल सा नॉर्मल पेपर लिया है और प्रेस को मैंने यहाँ पर गर्म कर लिया है, और फिर मोम के ऊपर पेपर रखकर गर्म आयरन को प्रेस करेंगे। इससे मोम बहुत ही जल्दी इजीली उतर जाएगा। बट फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि आपको मोम के ऊपर डायरेक्ट आयरन को नहीं रखना है, आपको पेपर रखकर उसके ऊपर आयरन करनी है। आप देखेंगे कि मोम बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी उतर जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप भी पसंद आया होगा। टिप नंबर फोर, फ्रेंड्स शूज़ हम सभी पहनते हैं, लेकिन शूज़ में अगर पानी लग जाता है, खासतौर पर बारिश के मौसम में, तो शूज़ में से गंदी सी स्मेल आती है और शूज़ आसानी से ड्राई भी नहीं हो पाते। उस टाइम के लिए आपके साथ मैं एक टिप शेयर करना चाहूँगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर पुराना न्यूज़पेपर लिया है और उसे इस तरह से करके शूज़ के अंदर रख देंगे, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इससे शूज़ का जो भी मॉइस्चर होगा वो ड्राई हो जाएगा और शूज़ में से बैड स्मेल भी चली जाएगी। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप पसंद आया होगा। टिप नंबर फाइव, फ्रेंड्स जब भी हम बाजार से टमाटर लेकर आते हैं, तो उसमें से कुछ टमाटर हल्का सा कटा हुआ होते हैं या फिर कुछ टमाटर हल्का सा नरम होते हैं। इस तरह के टमाटर को हम सलाद में नहीं काट पाते। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूंगी, जिससे ये टमाटर थोड़े से हार्ड भी हो जाएंगे और फ्रेश भी हो जाएंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा गुनगुना पानी लेंगे और इस पानी में सभी टमाटर को 10 मिनट के लिए डिप करके रखेंगे। 10 मिनट के लिए टमाटर को ऐसे ही छोड़ देंगे और 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि टमाटर हार्ड हो चुके हैं और फ्रेश भी हैं। फ्रेंड्स, आप इस ट्रिक को जरूर फॉलो कीजिए। फ्रेंड्स, आप इन सभी ट्रिक को फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी। अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।